मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ सिवालखास विधानसभा क्षेत्र। इन दिनों रालोद व भाजपा के बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी अखाड़ा बना हुआ है। भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के लगातार भारी विरोध, वाहनों को पथराव कर क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद आज प्रचार प्रसार करने पहुंची पहलवान बबीता फोगाट के काफिले पर दबोथा में हमला किया गया। यहां फायरिंग करने का भी आरोप है, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। बबीता ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर हमला करने वाले रालोद से जुड़े हुए हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मौके पर मौजूद बबीता फोगाट ने फर्स्ट बाइट संवाददाता से यह कहा। देखिए, मनिंदर पाल जी के समर्थन में वोट की अपील करने आए हैं, डोर टू डोर संपर्क हम लोगों से कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं जी। दबथवा में कुछ लोग अराजक हुए हैं, उग्र प्रदर्शन हुआ है, आपका विरोध भी हुआ है, उसको किस तरह? देखिए, विरोध मेरा नहीं हुआ है, दबथवा गांव में जो हुई वो बदतमीजी, आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहां पे उन लोगों के साथ भी, उनके एक दो के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियाँ बरसाई हैं और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम मुझे, अब तक तो मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुनते हुए आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया। जो अजीत सिंह चौधरी जी ने जो दो बातें कही थी वो मुझे याद आई गई उस दृश्य के दौरान। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा गुंडा। आज उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया और वास्तव में उन्होंने बता दिया कि उनकी जो लाइनें कही हुई थी ये कहीं ना कहीं उनके अनुभव और उनकी झेली हुई ये चीज़ें थी और उन्होंने आज दिखा दिया है। जो जिस तरह का उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया है, रास चलते हुए काफिले के ऊपर गाड़ियां के ऊपर डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गांव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना आप बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से गठबंधन के जो समर्थक हैं वो उग्र होते जा रहे हैं, मतलब उनको देखकर ये उनकी है कि बदलाव आएगा कुछ, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जीत तो सक नहीं रहे और जीत दिखाई कहीं नहीं दे रही तो लोगों के बीच में जाके बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन ये जनता बड़ी समझदार है, बड़ी समझने वाली है कि ये इनकी गुंडागर्दी है ना, ये जनता ही खत्म करेगी, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर खत्म करेगी। इस तरह के विरोध से और इस तरह के एक तरह से हमले से आपके प्रचार पे, आपके जोश पे कोई फर्क पड़ेगा या? देखिए, मेरे प्रचार पे या मेरे जोश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो इन्हीं कांटों में से निकले हैं और उन्हीं कांटों में पैदा हुए हैं, तो इन चीज़ों को और उन्हीं में ही, उन कांटों में ही कमल का फूल खिला के लेके जाएंगे और तब इन लोगों को फूल खिला कर उनको जवाब देंगे और ये जनता जवाब देगी, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई नसीहत जिंदाबाद उन लोगों तक पहुंचे आपकी जी, कोई नसीहत जो उन लोगों तक पहुंचे जो इस प्रकार विरोध कर रहे हैं? मेरी नसीहत ये है कि अपने संस्कारों को देखो, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, बहन बेटियों की इज्जत के लिए। तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आप देखिए, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ उठाने वालों के लिए तो भाइयों ने जान दे दी है और तुम उन भाइयों के, उन बहनों के ऊपर ही हाथ उठा रहे हो, शर्म की बात है ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि आप जैसे लोग ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो हम बहनों की सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा। लेकिन तुम्हें जवाब देगा, ये जनता जवाब देगी, ये हमारी माताएं बहनें जवाब देंगी, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। हमले में घायल हुए ग्रामीण ने यह जानकारी दी। मैं दबथवा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ था? मामला क्या, एक तो पोगाट जी थी, एक ये मनिंदर पाल जी की वाइफ थी, उनका प्रोग्राम था गाँव में। प्रोग्राम करने के बाद में मेरे घर पे जैसे बैठे हुए बात कर रहे थे, वहाँ पर आ गए इन लोगों ने, मेरे घर के अंदर झगड़ा करा, कुर्सी तोड़ी, गोली फायर भी करी है, ईंट पत्थर भी फेंके गए, सारा सामान तोड़ा गया। कितने लोगों की चोट आई? 4-5 लोगों का चोट आई है। कौन लोग थे? एक मेरा आई है, एक सचिन पंगाल का आई है, 3-4 लड़के और हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।